ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 4 जनवरी 2019 शुक्रवार का दिन है। पोष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जिसे शिव चतुर्दशी के रूप में माना जाता है। इसे मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र जो कि दोपहर 1:35 तक रहेगा, उसके बाद मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वहीं हम चंद्रमा की बात करें तो वृश्चिक राशि में दोपहर 1:35 तक रहेगा, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही या फिर जौ खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 10:30 से लेकर 12 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में दोपहर 1:35 तक, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की यदि हम बात करें तो मीन राशि में, बुध धनु राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष मिथुन सिंह तुला वृश्चिक धनु और कुंभ, ये 7 राशियां बनेगी अचानक धनवान। इन 7 राशि वालों को धन प्राप्ति का अनायास योग बन सकता है। इसके अलावा रुका हुआ पैसा भी इनका मिल सकता है और कार्यक्षेत्र में इनकी आमदनी बढ़ सकती है, इनकी सैलरी बढ़ सकती है या व्यवसाय करते हैं तो वहां से इनको कोई अचानक धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो 7 राशि वालों को अचानक फायदा होने का योग बन रहा है, अचानक धन प्राप्ति का उत्तम योग बना हुआ है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।